अस्सलामु अलैकुम जी हकीम मुबारक अली इल्म क्याफ़ा के साथ आज का हमारा मौजू है होंठ लब या लिप्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मोटे और वाज़ह होंठ जो कि दूर से ही देखने से नज़र आ जाते हैं। जिस शख्स के होंठ मोटे होंगे वो ज़ूद एतकाद होगा, थोड़ा सा अहमक भी होगा, काहल वजूद यानी कि सुस्त, काम में देर करने वाला, चलाक, लोगों से जल्दी धोखा खा जाने वाला होगा। पतले और सुरख होंठ, पतले और सुरख होंठ, जिसके होंठ सुरख और पतले हों वो मोतदल मिजाज, मियाना रो, नेकी करने वाला, तरक्की की तरफ मायल होगा, सरदार या चौधरी बनने का शौक़ होगा। औरतों में यह खूबी और भी ज़्यादा ताकतवर होगी अगर इनकी आंखों में शोखी ना हो। आते हैं अगली एक किस्म की तरफ, एक होंठ अगर बड़ा और दूसरा होंठ छोटा हो। जिस शख्स का एक होंठ बड़ा और दूसरा छोटा होगा वो सुस्तल वजूद होगा, कुंद जहन होगा, नालायक होगा, गरीब होगा, मुफलसी उसके मुकद्दर में होगी। अगर किस्मत करिश्मा दिखा जाए तो और बात है, मेहनत से जान छुड़ाने वाला होगा। अगली किस्म की तरफ चलते हैं, कम मोटे होंठ या लब। जिसके होंठ ज़्यादा मोटे ना होंगे वो ज़कील तबा होगा, अक्लमंद, होशो हवास वाला, इश्क का शौकीन। उसकी माली हालत आम तौर पर दरमियाने होगी, मगर कुछ लोगों की बहुत आला भी हो सकती है। नीचे का होंठ अगर बड़ा हो, जिसका नीचे का होंठ बड़ा होगा वो काफ़ी गमगीन होगा, मेहनती होगा, सादा तबीयत का मालिक होगा। क्योंकि आपने गौर किया होगा कि बच्चे जब रोते हैं तो वो नीचे वाला होंठ आगे की तरफ निकाल देते हैं, जो कि आम तौर पर नीचे को लटका हुआ या बड़ा नज़र आता है। हर वक्त खुले होंठ, जिसके होंठ हर वक्त खुले रहते हों वो मुफलिस, नादार, मुसीबत ज़दा, जाहल, नाअहल, कीना परवर, लड़ने झगड़ने में मसरूफ़ और वक्त का ज़िया करने वाला और बेरहम होगा। खूब मिले हुए होंठ, आपने गौर किया होगा कुछ लोग अपने होंठों को आपस में दबा कर रखते हैं। अगर किसी के होंठ खूब मिले रहें वो खामोश तबाह होगा, गौर व खोज का मालिक होगा, गौर व खोज की खूबी के साथ पैदा होगा, अक्लमंद और सोच समझ कर बात करने वाला होगा। काले और खुश्क होंठ मैदा और जिगर की बीमारियों की अलामत हो सकती है, कमज़ोरी की अलामत हो सकती है, जिगर के अमराज या खून की कमी की अलामत भी हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।